अब बात करते हैं रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा का क्लिप आया था 40 सेकंड का बल्लेबाजी करते हुए, वेस्ट इंडीज और इंडिया के जो T20 पहला मुकाबला है आज, उससे ठीक एक दिन पहले आया था और बहुत अच्छे शॉट्स लगा रहे थे, मिडल भी कर रहे थे, बॉल को पुल भी मारते हुए देखा, तो अच्छे माइंडसेट में नजर आ रहे हैं। बस अब है कि आज के मुकाबले में अच्छा परफॉर्म कर दें वो अपनी टीम। देखो जी, अपना मैच से पहले अगर आप प्रैक्टिस में इतनी जबरदस्त बल्लेबाजी करें, कट ड्राइव पुल तीनों उनके बहुत ही लाजवाब थे जी। 40 सेकंड में समा बांध दिया उन्होंने, पुराने वाले रोहित शर्मा दिखाई दिए, वो वाले रोहित शर्मा जो कभी T20 में सेंचुरी लगाया करते थे, एक नहीं दो कई चार सेंचुरी है इनकी। वनडे में तो खैर रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन है इनका लंबी पारी खेलने का, लेकिन जिस तरह से ताबड़तोड़ अंदाज की हमें जरूरत है, जो पहले कभी नहीं हुआ कि एक साथ आपके प्लेयर 150 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से चार चार पांच पांच प्लेयर लगातार खेल रहे हो और उसमें अब रोहित शर्मा का नाम भी जुड़ जाए, क्योंकि रोहित शर्मा की आलोचना अगर आप करेंगे या विराट की करेंगे T20 क्रिकेट में, तो उनके स्ट्राइक रेट के लिए करेंगे, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट उतना ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। लेकिन अगर वो इसी तरह की फॉर्म दिखाते हैं, 150-160 की स्ट्राइक रेट पे पहुंचते हैं, तो मुझे लगता है कि T20 वर्ल्ड कप की तैयारी हमारी बिल्कुल सही ट्रैक पर चल रही है। और साथ में रोहित शर्मा अगर टिक जाते हैं थोड़ी देर, मान लीजिए आप पावर प्ले पूरा खेल लेते हैं उसके बाद लंबा टिक जाते हैं, तो टीम को सिंगल हैंडली मुकाबले जिता देते हैं, ऐसी उनके पास एबिलिटी है। लेकिन पिछले कुछ समय से जब से कप्तानी रोहित शर्मा के पास आई है, तब से सर 40-48 तक का स्कोर ही मैक्सिमम जा रहा है। उसके बाद से सिर्फ एक मौके पर ही 60 बनाए थे उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसके बाद से हाफ सेंचुरी भी नहीं लग रही। हाँ, वो जो दो बैक टू बैक मैच थे उसके अलावा बिल्कुल वो चल नहीं पाए हैं, एक दबाव कह लीजिए, लेकिन हमें पहले खिलाड़ी चाहिए। हम रोहित शर्मा को बतौर बल्लेबाज जानते हैं, कप्तान बाद में आते हैं वो, और कप्तान तो आपके शिखर धवन भी 3 मैच जितवा लेते हैं जी। कप्तानी बाद वाला इशू आता है, पहले आता है बल्लेबाजी। और अगर वेस्ट इंडीज के खिलाफ आप प्रदर्शन देखें तो 18 मैचों में 585 रन हैं रोहित शर्मा के, जो बाबर आजम से विराट कोहली से दोनों से ज्यादा हैं। दोनों ने जितने रन वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट बनाए हैं उनसे ज्यादा, और डेविड वार्नर से भी ज्यादा रन बनाए हैं। तो रोहित शर्मा के सामने जब वेस्ट इंडीज आती है तो उनको लगता है उनकी पसंदीदा टीम आ गई है और उसको ढूंढो और खूब रन बनाओ। तो मुझे लगता है वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जो है वो एक अलग रोहित शर्मा आपको दिखाई देने वाले हैं T20 क्रिकेट में। पटेल राहुल कह रहे हैं कि सर रोहित बेस्ट हैं। रोहित बेस्ट है जी, कोई बात नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम बेस्ट वैसे एक जनरल टर्म में बेस्ट कह रहे हैं, लेकिन सही मायने में बेस्ट वही है जो मैच विनर हो, मैच जिताए और जरूरत पड़ने पर 180-190 की स्ट्राइक रेट से भी रन बनाए। वो काम बीच में मिडिल ओवर में पिछले कुछ वर्षों में, अगर पिछले कुछ महीनों में अगर हम देखें तो सूर्य कुमार यादव उस कसौटी पर काफी खड़े उतरे जी। राजू कुमार पूछ रहे कि हार्दिक पांडे खेलेंगे कि आज नहीं खेलेंगे। देखो जी, मैं तो समझता हूँ कि अगर वो उनको जरा सा भी कोई गुंजाइश लगती है तो ना खेले, वो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो बहुत बड़ा मैच विनर है। अगर वो फिट है तो जरूर खेलना चाहिए, रिदम में आप रहेंगे, लेकिन हाँ वनडे और कोई जो मुकाबले हैं उस पे खेलने की उनको जरूरत नहीं है। सोनू कह रहे हैं कि रोहित शतक बनाएंगे। कौन? रोहित शतक बनाएंगे। चलो जी, शतक बनाए बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत अच्छा लगेगा और सारे फैंस जो हैं गदगद हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, क्योंकि विराट की तरह की फॉर्म जो है ना उनकी भी थोड़ी सी डामाडोल ही चल रही है। सर राजू कुमार कह रहे हैं कि सर लेफ्ट हैंडर्स के आगे बहुत स्ट्रगल करते हैं रोहित, बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों के सामने फंसते रहे हैं, चाहे मोहम्मद आमिर हो, चाहे ट्रेंट बोल्ट हो, और अभी हाल में जो टॉपले, वो जो इंग्लैंड के प्लेयर हैं रीस टॉपले, हाँ उनके सामने भी थोड़ा संघर्ष करते हुए दिखे हैं वो भी और विराट भी। तो थोड़ा सा देखो इस तरफ ध्यान तो उनको देने की जरूरत है, और अगर बिल्कुल बारीकी से अपने कोच को साथ बिठाकर उसका वीडियो एनालिसिस करें, आकलन करें, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें बहुत छोटी छोटी चीजें हैं और आकलन किया होगा उन्होंने, और उन सब समस्याओं से उबरना उनका बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। ऋषिकेश दुबे का कहना है कि रोहित इज फ्रंट लीडर। फ्रंट लीडर तो है, लीडर में तो कोई उनमें कोई सवाल उठ ही नहीं रहा, यहाँ तो बल्लेबाजी की बात हो रही है जनाब, क्योंकि बतौर लीडर तो इस खिलाड़ी ने बहुत बड़े बड़े कारनामे किए हैं, जो उनका रिकॉर्ड देख लीजिए, ट्रैक रिकॉर्ड टेस्ट का, वनडे का, जो भी, जब से उन्होंने कप्तानी की स्थायी रूप से संभाली है लगातार जीतते ही जा रहे हैं।